नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरे पास दोस्तों आईटेल का ये 44 मॉडल है, ये 44, ये दोस्तों फुल डेड है दोस्तों। इससे अगर मल्टीमीटर से चेक करो दोस्तों, इसमें कोई किसी तरह की शॉर्टिंग नहीं है और एकदम फ्रेश मोबाइल है दोस्तों। लेकिन ये मोबाइल चालू नहीं हो रहा है और कंप्यूटर पर कनेक्ट करते दोस्तों तो ये MT के पोर्ट शो कर रहा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, MT के पोर्ट शो कर रहा है, तो अभी हमें इसे फ्लैश कर देना है। फ्लैश पहले हमें डाउनलोड करना पड़ेगा लेटेस्ट वर्जन। इसे सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। दोस्तों इसमें पुराना वर्जन काम नहीं करेगा। अगर आप पुराना वर्जन फ्लैश करते हो तो आपका मोबाइल ऑन नहीं हो सकता। दोस्तों हमारी फाइल दोस्तों एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अभी हमें SP फ्लैश टूल ओपन करना है। और दोस्तों सिंपल इसमें स्कैटर फाइल सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों डाउनलोड ओनली या फिर अपग्रेड के ऊपर भी आप रख सकते हो। अपग्रेड के ऊपर अगर रखते हो तो आपका FRP लॉक हट जाएगा। अगर अपग्रेड के ऊपर नहीं हो रहा है फ्लैश तो डाउनलोड ओनली पे कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं फ्लैशिंग। डाउनलोड पे क्लिक करना है और फ्लैशिंग स्टार्ट कर देना है और मोबाइल को कनेक्ट कर देना है। MT के ड्राइवर इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा आपको। अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो फ्लैशिंग नहीं हो पाएगी। दोस्तों ये मोबाइल डेड क्यों होता है? इसका रीज़न ये होता है कि मोबाइल की बैटरी लो होती है और OTA अपडेट जो आता है वो अपडेट कंप्लीट हो जाता है और मोबाइल जब रिस्टार्ट होता है उस टाइम पे बैटरी पूरी तरह लो हो जाती है और फुल अपडेट नहीं हो पाता, उसके वजह से मोबाइल डेड हो जाता है। कस्टमर को ये बात समझ में नहीं आती और उसे लगता है मेरा मोबाइल डेड हो गया। लेकिन दोस्तों रीज़न यही होता है कि OTA अपडेट आता है और बैटरी लो हो जाती है और उस टाइम पे अपडेट प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हो पाता और उसकी वजह से मोबाइल डेड हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मदरबोर्ड को छेड़ने से पहले ये चेक कर लो कि किसी तरह की शॉर्टिंग तो नहीं है या फिर कोई वाटर डैमेज तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें फ्रेश है तो उसके बाद आप सबसे पहले कंप्यूटर के ऊपर मोबाइल को कनेक्ट कर दीजिए और चेक कीजिए पोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर आपका मोबाइल पोर्ट ले रहा है तो आप सबसे पहले फ्लैशिंग करके देखिए। अगर आप फ्लैशिंग करते हैं तो आपका 80% चांसेस होते हैं कि मोबाइल आपका स्टार्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सबसे पहले यही करना चाहिए कि आपने हार्डवेयर के छेड़ने से पहले फ्लैशिंग करके देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि फ्लैशिंग करेंगे तो ही मोबाइल ऑन होगा। कभी कभी नहीं भी होता, फ्लैशिंग कंप्लीट ले लेता है या फिर एरर दिखा देता है बीच में, तो हो सकता है वो हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन 80% चांस होते हैं सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम निकलने की।
दोस्तों ये फ्लैश फाइल आपको इंटरनेट पे नहीं मिल पाएंगी, अगर जहाँ मिलेंगी वहाँ आपको पेमेंट देना होगा। ये फाइल फ्री नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ता है, तब जाके आपको ये फ्लैश फाइल मिलती है दोस्तों। इस फ्लैश फाइल का वर्जन है दोस्तों V042। तो दोस्तों मैं आपको ये फाइल का लिंक दे दूंगा दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप के जरिए चैटिंग करना है दोस्तों, मैं वहाँ से आपको लिंक दे दूंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर दोस्तों फ्लैशिंग करने के बाद भी अगर मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है तो आप एक तरीका अपना सकते हैं। आप सबसे पहले फॉर्मेट में जाना है आपको, फॉर्मेट में आपको जाना है, उसके बाद ऑटो फॉर्मेट फ्लैश के ऊपर क्लिक कर देना है, और नीचे वाला ऑप्शन जो होता है बूट लोडर फॉर्मेट का, उसे भी क्लिक करके रख देना है, और स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपको फुल फॉर्मेट कर देना है। उसके बाद आपको फिर से फ्लैशिंग करना है, ज़रूरत होगी तो ही करना है, नहीं तो ऐसा नहीं करना है। इसके वजह से आपका IMEI नंबर करप्ट हो जाता है, ज़रूरत होगी तभी करना, और आप अगर IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हो तो। देख सकते हैं दोस्तों हमारा मोबाइल स्टार्ट हो चुका है, अभी इसे हम ऑन करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर आप अपने अभी तक के अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय।